अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवरी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। स्पीड फायर सर्विस, हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभनी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके 131वीं जयंती के अवसर पर परभनी के मातोश्री रमाबाई अम्बेडकर नगर में आज तारीख 6 मार्च 2022 रविवार के रोज बैठक ली गई, जिसमें जयंती के कार्यकारिणी घोषित की गई। स्वागत अध्यक्ष पद पर अर्जुन नाना पंडित की, तो अध्यक्ष पद पर अंगद गुड़वे इनकी नियुक्ति की गई है। दोनों पदाधिकारियों का सत्कार और स्वागत किया गया। इस समय इलाके के युवक बड़ी संख्या में हाजिर थे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। लायंस क्लब परभनी, राइजिंग वुमेन और भक्कर डेंटल क्लिनिक इनके संयुक्त से नेशनल डेंटिस्ट डे के अवसर पर मुफ्त दंत जांच और इलाज शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर भक्कर लॉयन चंचल निकम, लॉयन डॉक्टर प्रवीण धाड़वे, लॉयन संतोष नारवानी, लॉयन डॉक्टर नेहा भक्कर, लॉयन विजय दराड़े, लॉयन प्रदीप गोलेच्छा, लॉयन दिलीप जोगड़, लॉयन पवन निकम, लॉयन डॉक्टर नरवाड़कर, लॉयन पूनम मराठे, लॉयन श्रद्धा जैन, डॉक्टर अजीत भक्कड़ आदि हाजिर थे। धन्वंतरी का पूजन करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस शिविर में 56 मरीजों को मुफ्त जांच की गई। इलाज कराने के लिए जरूरतमंदों को 25% सहूलत दी गई। कार्यक्रम का प्रस्ताविक लॉयन चंचल निकम ने किया, तो कार्यक्रम के जानकारी डॉक्टर लॉयन नेहा भक्कर ने मनोगत में बताई। इस समय सभी का आभार लॉयन संतोष नरवानी ने माना। इस समय बड़ी संख्या में पदाधिकारी हाजिर थे। मनुष्य होना मेरा भाग्य है, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ना मेरा सौभाग्य है, पर आप जैसे सब प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व से, लॉयंस की टीम से मैं कुछ सीख सकूं, ये मेरा परम सौभाग्य है। ये मेरा परम HARC ने 8 महिलाओं के जीवन जगने की सामग्री देते हुए विविध क्षेत्र में महिलाओं का किया सम्मान। महिला दिन के अवसर पर तारीख 6 मार्च 2022 रविवार के रोज होम्योपैथिक एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड चैरिटीज यानी HARC संस्था की ओर से 8 बेसहारा बीमारी में घिरे हुए और विधवा महिलाओं को जीवन जगने हेतु साधन सामग्री देते हुए विविध क्षेत्र में 8 महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम परभनी के ज्ञानोपासन कॉलेज के सांस्कृतिक हाल में लिया गया। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता जयंत देशपांडे, दामिनी पथक के PSI राधिका भावसार, प्रिंसिपल डॉक्टर बाबर, शिव व्याख्याते स्वामी रज भिसे, प्रोफेसर शिवा आयनर, प्रोफेसर आनंद मनोहर इनकी उपस्थिति रही। महिला दिन के अवसर पर 5 महिलाओं को सिलाई मशीन, 2 महिलाओं को बकरियां और उनके बच्चे और 1 महिला को दाल निकालने की मशीन ऐसी दी गई। इसके अलावा विविध 8 क्षेत्रों में कार्य कर रहे महिला अधिकारियों का सम्मान करते हुए सलाम उसके जिद को। इसके तहत कृषि क्षेत्र के वैष्णवी विष्णुपंत देशपांडे, डॉक्टर क्षेत्र में डॉक्टर आरती देउलकर, खेल क्षेत्र में अश्विनी जाधव, सामाजिक क्षेत्र में अर्चना पंडितराव धुराटे, शिक्षा क्षेत्र में पूजा रामकिशन काकड़े, तो स्वच्छता क्षेत्र में सुमन प्रकाश पादोड़े, पुलिस क्षेत्र के संगीता वाघमारे, तृतीय पंथ क्षेत्र में उमिता रोव बख्श इनका सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर पवन चांडक, डॉक्टर आशा चांडक, राजेश्वर वासलकर, भाग्यश्री सावले, ममता जाधव, पूजा काकड़े, भक्ति तायड़े, अंजलि जोशी, विशाखा हेलस्कर, शलाका हेलस्कर, पद्मा भालेराव, बुद्ध भूषण गाड़े, ज्ञानेश्वर इक्कर, श्रीरंग पांडे, पांडुरंग पाटनकर, सत्यनारायण चांडक आदि ने मेहनत ली।
सांसद फौजिया खान इन्हें सांसद रत्न पुरस्कार मिलने पर परिवर्तन युवा मंच की ओर से परभनी स्थित धार रोड के फुलारी बिल्डिंग में सांसद फौजिया खान इनका सत्कार करते हुए महिला दिन के अवसर पर आज तारीख 6 मार्च 2022 रविवार के रोज गरीब जरूरतमंद महिलाओं को साड़ियां बांटने का प्रोग्राम लिया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर सांसद फौजिया तहसीन खान ये थे तो प्रमुख अतिथि में पूर्व विधायक विजयराव गवाने, पूर्व महापौर प्रताप भैया देशमुख, स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, तहसीन अहमद खान, अली खान, अलीम काजी, विकास लंगोटे, अमोल पात्रीकर, सुमंत वाघ, डॉक्टर अफवान खान, सिद्धांत हाके आदि हाजिर थे। इस समय सत्कार मूर्ति सांसद फौजिया खान और लगातार तीसरी बार स्थायी समिति सभापति बने गुलमीर खान इनका सत्कार परिवर्तन युवा मंच की ओर से रखा गया। इस समय परिवर्तन युवा मंच के जिला संपर्क कार्यालय का उद्घाटन पूर्व विधायक विजय गवाने और मान्य गणों के हाथों किया गया। कार्यक्रम का आयोजन परिवर्तन युवा मंच के खुर्रम उर्फ अज्जू बेग इन्होंने किया था। इस समय परिवर्तन युवा मंच के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज खासदार मौजा खान संसद रत्न का अवार्ड मिलने के वजह से हम सब माइनॉरिटी में सब परभनी के परभनी कर में सबको यह चीज़ की बहुत खुशी है कि परभनी में ऐसे काबिल लेडी है जो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमने एक सब बच्चों के जानिब से मुख्तार नगर 3 नंबर वार्ड की तरफ से एक सत्कार का प्रोग्राम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे से हुआ और उस खुशी में मैंने मेरी तरफ से परिवर्तन युवा मंच की तरफ से मैंने एक साड़ी बांटा जो गरीब औरतें हैं उनके लिए साड़ी बांटा का प्रोग्राम रखे और अल्हम्दुलिल्लाह वो तो आपने देखे अच्छे से हुआ और इंशाल्लाह परिवर्तन युवा मंच की तरफ से हम कभी भी ऐसी प्रोग्राम लेने की कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे और सामाजिक प्रोग्राम लेने की कोशिश करते हैं और उसमें से भी ये मेरा प्रोग्राम था। पहले भी हमने 3 नंबर वार्ड में हेल्प किया है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट लिए, किट वाटअप कर गए, इस तरह से प्रोग्राम होते रहते तो आज मैंने मैडम के सत्कार के साथ साथ एक गरीबों को खुशी हो जाना, उनको दुआ मिलना, इसलिए एक साड़ी वाटअप का भी प्रोग्राम, इस साड़ी वाटअप के प्रोग्राम में हमने कम्प्लीट 1000 साड़ी का रखे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब अच्छे से वाटअप हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। परिवर्तन युवा मंच का और इसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और ये हमेशा 3 नंबर वार्ड के लिए मेरे संपर्क कार्यालय का किसी को भी कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ सकता और अपनी प्रॉब्लम बता सकता और मैं जहाँ तक हो सकता जहाँ तक मेरी कोशिश हो सके मैं अपनी ईमानदारी के साथ उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और उनकी मदद करने की हमेशा की। शहर के भीमनगर में हर साल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस वर्ष भी जयंती मनाने के लिए जयंती कमेटी की बैठक लेकर जयंती समिति के अध्यक्ष पद पर अनिल काले इनकी नियुक्ति की गई। इस समय परभनी के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पुतले को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन करते हुए ढोल ताशाओं के साथ आतिशबाजी करते हुए जयंती के नियुक्त हुए अध्यक्ष अनिल काले और स्वागत अध्यक्ष संतोष राव गुज्जर इनका सत्कार और स्वागत किया गया। इस समय रानूभाई वावड़े, माधव हतागड़े, मनोहर सावन, बापूराव वागमारे, बाबूराव पंडित, शांताबाई भालेराव, रमाबाई रणखांबे, शिवाजी वायवळ, दीपक सावंत, सम्राट हतागड़े, दीपक शिंदे, किरण काळे, अविनाश अवचार, राजेश शिंदे, उत्तम गायकवाड़, शेख गफार और भीमनगर के नागरिक और युवक बड़ी संख्या में हाजिर थे। परभनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्राप्त करने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रिमंडल का और उसी तरह परभनी के उन तमाम जो मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर पूरी तरह से साथ देने वाले परभनीकरों का आभार कार्यक्रम आज तारीख 6 मार्च 2022 रविवार के रोज अक्षता मंगल कार्यालय में लिया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर अभप अच्युत महाराज दस्तापुरकर ये थे तो प्रमुख उपस्थिति में बनते उपगुप्त महातेरो काशीनाथ महाराज, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, पूर्व विधायक सूरज दादा देशमुख, विजय वाकोड़े, एडवोकेट अशोक सोनी, भाई कीर्ति कुमार बुरांडे, सैयद खादर, विहार अहमद खान, जय श्री खोबे, संजय मंत्री, सकुबाई लटपटे, पठान नाजिन खान, शकील मोहियुद्दीन, एडवोकेट माधुरी शिरसागर, कांग्रेस राजन शिरसागर, विशाल कदम, डॉक्टर काने, डॉक्टर राजेश सुरवसे, डॉक्टर रामेश्वर नाइक, कैलाश अजमेरा, अतुल सरोदे, अर्जुन सामाले आदि थे। कार्यक्रम का आयोजन सांसद संजय उर्फ अंडू जाधव इन्होंने किया। प्रत्येक क्षेत्रातल्या नामांकित व्यक्तीने या ठिकाणी ही लढाई लढण्यामध्ये भाग घेतला पण काही लोक आज जे तिरके बाजू लागले त्यावेळेस झाला म्हणलं तर येईल तेव्हा त्यांचं सरकार होतं
सरकार असताना सुद्धा लढायला हिंमत लागते त्याला. मी माझे सरकार होतं, मी खासदार होतो, तरी मी रस्त्यावर उतरायची तयारी ठेवली. पण परभणीकरांच्या हितासाठी आम्ही सगळे जोडे बाजूला ठेवून हे सगळेजण रस्त्यावर वाजलेली एक एक कोला मोलाची व्यक्ती आहे. परंतु सगळ्यांनी या ठिकाणी सहभाग घेतला त्याचं मी कौतुक आणि त्याचा आभार व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी आज मी त्या विषयावर बोलणार नाही. परंतु राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा आपण आज या ठिकाणी कौतुक करावं तेवढा आकर्षणीय आज मी या ठिकाणी भविष्यातसुद्धा जेव्हा जेव्हा आम्हाला काही चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी एकत्र यावं लागेल तेव्हा सगळ्यांनी या ठिकाणी एकत्र आलं पाहिजे अशा स्वरूपाची विनंती मी या निमित्तानं करतो. आणि या ठिकाणी मी प्रास्ताविक संपवताना एवढीच विनंती करीन आयोजक या नात्यानं की आम्ही प्रतिकात्मक सत्कार करतोय असं कोणी चुकून मुकून एखादा राहिला तरी त्यांनी राग व्यक्त करू नये. आम्ही तुमच्यात देत आहे, तुम्ही आमच्यात देत आहात, त्यामुळं तुम्ही समजून घ्या. तुमचा एक नाना भाऊ म्हणून समजा तर सहकारी म्हणून समजा का कार्यकर्ता म्हणून समजा, परंतु सगळ्याचं समाधान होणं शक्य नसतं. एखाद्या परिवारातसुद्धा आपण सगळ्या लेकरांचा समाधान सगळ्याचं करू शकत नाही. त्या भावनेतून आपण सगळ्यांनी आपल्याला समजून घ्यावं एवढी विनंती करतो. आणि शेवटची विनंती करतो की कार्यक्रम संपल्यानंतर सगळ्यांच्या स्नेहभोजनाचं आयोजन या ठिकाणी मागच्या साईडला केलं आहे. कोणीही जेवण केल्याशिवाय जाऊ नये. कौसडी में इजलास से आम प्रोग्राम संपन्न. जिंतूर तहसील के कौसडी में इजलास से आम प्रोग्राम तारीख 4 मार्च 2022 शुक्रवार के रोज लिया गया. इस प्रोग्राम में हजरत मौलाना जलील अहमद ताबिश मिल्ली और हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन कासमी इनकी प्रमुख उपस्थिति रही. कार्यक्रम का आयोजन मरकज मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद इरफान इन्होंने किया. समय मदरसे मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करने वाले 54 बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया. प्रोग्राम का संचालन मौलाना अजमत खान इन्होंने किया. इस प्रोग्राम में मौलाना मकसूद साहब, मौलाना उस्मान साहब, खारी इकबाल साहब, मौलाना अब्दुल हसीब साहब, मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब, मौलाना सलमान साहब, मौलाना बिलाल साहब, हाफिज अनिस मौलाना, मौलाना अब्दुल हक साहब, अय्यूब खान पठान, साजिद पठान इनके साथ गांव के मुस्लिम नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे. शायद इसकी वजह ये भी हो कि बुजुर्गों की तवज्जोहात हैं. हमारे जिंतूर तालुके में कौसड़ी एक मकाम है जो औलिया किराम का मदफन है. यहाँ से दूर दूर तक इस्लाम की नशर इशाअत और इस्लाम की तबलीग की है. ये बहुत दूर से बगदाद ईरान उस तरफ से आए और उन्होंने यहाँ इस्लाम की शमा को रोशन किया है. इन औलिया किराम के खिदमत को किसी कीमत पर फरामोश नहीं किया जा सकता. आज हमारे कपड़े बदल जाने से और हमारे चेहरे बदल जाने से औलिया किराम के खिदमत पर पर्दा नहीं डाला जा सकता. औलिया किराम की खिदमत बहरहाल अपनी जगह मुसल्लमा है और उन्हीं के खिदमत की बरकत से हम तमाम आज मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहे हैं और हम बाकी हैं. तो कौसड़ी की जमीन ये औलिया किराम की जमीन है और कौसड़ी ये असल में जन्नत निशान है. कौसड़ी ये तो नाम पड़ गया हमारे अपने तहजीब की वजह से, वरना ये सही नाम है कौसड़ी. कौसड़ी का मतलब होता है जन्नत निशान. कौसर ये एक नहर है जो यानी पानी की, और मेरे और आपके आका सरकार दो आलम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को और अपने कराने वालों को और अपने से मोहब्बत करने वालों को उस नहर से पानी पिलाएंगे. और लोग आ रहे होंगे और आप पानी दे रहे होंगे. कुछ लोग आ रहे होंगे तो फरिश्ते उनको रोक लेंगे. अल्लाह के नबी की नजर पड़ेगी तो अल्लाह के नबी फरिश्तों को इशारा करेंगे कि उनको आने दो. तो फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह पूछेंगे तो फरिश्ते कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको ये मालूम नहीं कि इन बदमाशों ने आपके दुनिया से चले जाने के बाद दीन की सूरत को मस्ख कर दिया था. अन्नहुम कद अहदसू बादक, दीन की सूरत को मस्ख कर दिया था. जो असल दीन था इन्होंने दीन के नाम पर
असल दीन को खत्म कर दिया था, मसाजिद को वीरान कर दिया था। महानगर पालिका की ओर से तारीख 6 मार्च 2022 रविवार के रोज शाम 6 बजे बी रघुनाथ हॉल में उर्दू मुशायरे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक सुरेश राव होरपुलकर इनके हाथों किया गया। इस समय स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, पत्रकार हमीद मलिक, समाज रत्न से सम्मानित मोहम्मद बशीर सर, अकबर बागवान, प्रसिद्धि प्रमुख राजकुमार जाधव, नजम खान, विनोद कदम आदि मंच पर मौजूद थे। इस उर्दू मुशायरे में 30 शायरों ने हिस्सा लेते हुए अकोला से जे बी नईम फराज और जे बी अखिल साहिर ये हाजिर थे। कार्यक्रम के अध्यक्ष शायर सलीम मोहियुद्दीन ये थे। तारीख 7 मार्च के रोज हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ऐसा बताया गया है। थोड़ा आसान करके कहता हूँ कि मैं समझा घर में है भूतों का साया, मैं समझा घर में है भूतों का साया, इसी कारण तो बेगम डर रही है और सबक पूछा तो मौलाना ये बोले अलग होने को नफरे कर रही है। उठ जाता है, सुना है घर में चिकोले मजे से खाता है, चिकोले नहीं समझे, चिकोटी के टुकड़े और उंगली कभी तू सांप की बिल में घुसा के दे, खेलता है बंद खूब मोहल्ले में सूरमा, बेगम के मुंह पे एक तमाचा लगा के दे, वो गांव गांव करता है उसे सलाम मगर सारा गांव करता है, और वो हाव भाव से लगता है शेर के जैसा, जो बीवी सामने आए तो म्याव करता है। एक तरफ निगाहें थी और खड़ा था मैं पान पट्टी पर, आ गया उसका भाई पीछे से, रख दिया मेरी कान पट्टी। आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही इस हमारे जो न्यूज़ है आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए लाइक और शेयर करना जरूरी है, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज आप तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।